भोजपुर में भीषण सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। घटना सापुर थाना क्षेत्र के सापुर पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की दोपहर घटी। मृतकों में वीरपुर गांव निवासी सह रिटायर्ड शिक्षक मुखलाल राम की 55 वर्षीय पत्नी राजकुमारी देवी व उनका 31 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर जिले के सापुर थाना क्षेत्र के सापुर पेट्रोल पंप के समीप अनियंत्रित मैजिक वाहन ने बाइक सवार माँ बेटी को रौंद दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि मैजिक वाहन भी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि मैजिक वाहन पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद चालक मैजिक छोड़कर फरार हो गया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पाकर स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया। जानकारी के अनुसार मृतकों में सापुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी सह रिटायर्ड शिक्षक मुखलाल राम की 55 वर्षीय पत्नी राजकुमारी देवी एवं उनका 31 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार है। मृतक अजीत कुमार के भतीजे पवन कुमार ने बताया कि वो अपने पिता का दवा लेने के लिए अपने पिता मुखलाल राम एवं मां राजकुमारी देवी के साथ बाइक से सापुर बाजार गए थे। सापुर बाजार पर उन्होंने अपने पिता मुखलाल राम को बाइक से उतार दिया और अपनी मां राजकुमारी देवी के साथ सापुर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए थे। पेट्रोल लेकर जब वापस सापुर बाजार आ रहे थे, उसी दौरान सापुर पेट्रोल पंप के समीप पीछे से आ रही अनियंत्रित मैजिक वाहन ने उन्हें रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अपने पापा के दवाई कराने जा रहे थे सापुर, सापुर में पापा को बाजार में उतार दिए। अब मम्मी को लेकर पेट्रोल पंप पे जा रहे थे, वहीं पर एक मैजिक वाले ने इनको टक्कर मार दिया। एक्सपायर डेट हो गया दोनों की। क्या दोनों लोगों की? हाँ जी, दोनों लोगों को, मम्मी और उनके बच्चा मैंने अजीत कांत जी और उनके मम्मी दोनों को डेट हो गया। मैजिक वाला पकड़ाया है? मैजिक वाला ड्राइवर फरार हो गया और गाड़ी वहीं पर पलटी है। गाड़ी में शायद 12 आदमी था, 12 आदमी के कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम। भोजपुर में भीषण सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। घटना सापुर थाना क्षेत्र के सापुर पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की दोपहर घटी। मृतकों में वीरपुर गांव निवासी सह रिटायर्ड शिक्षक मुखलाल राम की 55 वर्षीय पत्नी राजकुमारी देवी व उनका 31 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर जिले के सापुर थाना क्षेत्र के सापुर पेट्रोल पंप के समीप अनियंत्रित मैजिक वाहन ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि मैजिक वाहन भी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि मैजिक वाहन पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद चालक मैजिक छोड़कर फरार हो गया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पाकर स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया। जानकारी के अनुसार मृतकों में सापुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी सह रिटायर्ड शिक्षक मुखलाल राम की 55 वर्षीय पत्नी राजकुमारी देवी एवं उनका 31 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार है। मृतक अजीत कुमार के भतीजे पवन कुमार ने बताया कि वो अपने पिता का दवा लेने के लिए अपने पिता मुखलाल राम एवं मां राजकुमारी देवी के साथ बाइक से सापुर बाजार गए थे। सापुर बाजार पर उन्होंने अपने पिता मुखलाल राम को बाइक से उतार दिया और अपनी मां राजकुमारी देवी के साथ सापुर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए थे। पेट्रोल लेकर जब वापस सापुर बाजार आ रहे थे, उसी दौरान सापुर पेट्रोल पंप के समीप पीछे से आ रही अनियंत्रित मैजिक वाहन ने उन्हें रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।